welcome to the academics I'm Amrita I firmly believe that we should keep trying until we get it right so let's start our trial for today so in our previous videos we have completed till question number 5 so all those videos link I'm going to attach in the description below so you can go and check them out so we'll start with question number 6 which is about simplification okay ek bahut bada algebraic expression we have to simplify जो हम करते ही आ रहे हैं मतलब हमको क्या करना है फर्स्ट स्टेप में वी विल राइट ऑल द लाइक टर्म्स नियर इच अदर वी विल ग्रुप देम टुगेदर एंड देन डिसाइड व्हाट टू डू विद देम वेदर ऐड और सब डिपेंडिंग ऑन द साइन सो एक्स फोर है मैं ये एक्स फोर एज इट इज लिख देती हूँ एंड आई एम गोइंग टू सर्च फॉर अनदर एक्स एक्स दो पावर फो इधर है एक्स दो पावर फो सो आई राइट अगेन एक्स दो पावर फो देन एक्सक्यूब माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स क्यूब आई सर्च फॉर एनअर क्यूब, इफ इट इज देयर इफ़ इट इज देयर देन हियर प्लस सेवन एक्स क्यूब इफ इट इज़ देयर देन ओके एनी अदर क्यूब टर्म्स आर देयर नो हाउ मेनी एवर टर्म्स आर देयर लैक टर्म्स आर देयर वी विल ग्रुप दैम टूगेदर एंड राइट लाइक दिस देन वी विल मूव टू टू एक्स प्लस टू एक्स एक्स के साथ क्या है दूसरा कोई टर्म है यस इधर है माइनस एक्स और है नो सो आई स्टॉप विथ दिस मच फॉर एक्स नाउ मूव टू कांस्टेंट टर्म माइनस सेवन माइनस सेवन कोई और कांस्टेंट टर्म है इसमें यस प्लस टू सो आई राइट प्लस टू नाउ आई हैव टू लुक इफ आई हैव रिटर्न ऑल ऑफ दम ग्रुप्ड ऑल ऑफ देम टूगेदर एक्स फोर एक्स क्यूब एक्स सेवन एक्स क्यूब एक्स that we इज समथिंग दैट वी हैव नॉट or टिल नाउ टू और माइनस एक्स फोर हमने ग्रुप कर लिया है फाइव का कोई दूसरा लाइक like टर्म नहीं है सो नाउ वी विल सॉल्व दिस आउट ओके वन माइनस वन एक्स तो पाव फोर ऐसे भी कर सकते हैं या है तो फिर जीरो डायरेक्ट आप जानते हो एक्स फोर माइनस एक्स फोर जीरो ही आएगा जस्ट आई एम राइटिंग दिस फॉर बेटर मोर क्लैरिफिकेशन सो वन माइनस वन इज एक्स दो पावर फोर आउट साइड ब्रैकेट देन प्लस सेवन माइनस सिक्स ओके प्लस सेवन माइनस सिक्स एक्स क्यूब बाहर यहाँ पर प्लस टू माइनस वन एक्स ओके ना माइनस सेवन प्लस टू सिंपल होगा जैसे हम लोग इंटीजियर सब्ट्रैक्शन करते हैं डिफरेंट साइन है तो माइनस फाइव होगा बिकॉज सेवन हैज हैज़ ग्रेटर वैल्यू तो उसका साइन फाइनली आ जाएगा आफ्टर सब्सट्रैक्शन ना प्लस फाइव एक्स स्क्वायर तो कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना विल राइट इट एज इट इज तो वन माइनस वन ये जीरो एक्स फोर मीन जीरो हो गया द इज नथिंग लेफ्ट फॉर एक्स फोर नाउ सेवन माइनस सिक्स इज वन सो एक्स क्यूब या तो वन एक्स क्यूब लिख सकते हो एक्स क्यूब भी इज ओके मीन्स न्यूमेरिकल कोविशन वन ही है टू माइनस वन इज़ एक्स obviously और माइनस फाइव तो है ही लिख देंगे प्लस फाइव एक्स स्क्वायर ओके अब उन्हें अरेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग पावर के हिसाब से सो एक्स क्यूब फर्स्ट आ जाएगा एक्स फोर तो बिल्कुल रहा नहीं एक्स क्यूब उसके बाद मैं फ़ाइव एक्स स्क्वायर लिख दूंगी प्लस एक्स माइनस फाइव This is the final answer for question number six three. Those questions which I am leaving out, I am repeating again. You can let me know in the comment section. I will do another video, uh, you know, attempting those questions. Now moving to question number seven, I am reading it out from the book. From the sum of three x squared minus five x plus two and minus five x squared minus eight x plus six, subtract four x squared minus nine x plus seven.

आई मीन स्क्वायर के अंडर एक्स नहीं आएगा एक्स एक्स के अंडर आएगा और कॉन्स्टेंट टर्म्स ईच अदर के नीचे रहेंगे सो वी नाउ विल स्टार्ट द एडिशन फर्स्ट वी नीड टू सी द न्यूमेरिकल कोफिशेंट थ्री प्लस माइनस फाइव ये मैं स्क्वायर का कोफिशेंट देख रही हूँ सो so, अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन करूँ देन इट विल बी थ्री माइनस फाइव थ्री माइनस फाइव कैसे होगा माइनस फाइव मतलब सब्सट्रैक्शन होगा इधर टू होगा बिकॉज डिफरेंट साइन थे सब्सट्रैक्शन हुआ और फाइव का जो नेगेटिव साइन है वो आ जाएगा आंसर में सो माइनस टू एक्स स्क्वायर ये तो हो गया सॉल्व वी सॉल्व द एक्स स्क्वायर न्यूमरिकल कोफिश नाउ मूव टू एक्स वी विल लुक एट द एक्स एक्स में है माइनस फाइव और प्लस ये प्लस हम एडिशन कर रहे हैं मैं ये प्लस पहले लिख रही हूँ और विद इन ब्रैकेट्स में लिख रही हूँ न्यूमेरिकल कोफिशियंट विथ इट्स साइन जो भी इंटीजर है नेगेटिव है पॉजिटिव है जो भी है मैं यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख रही हूँ उसके साइन के साथ ये माइनस एट इधर आया गया विद इन द ब्रैकेट नाउ माइनस फाइव प्लस माइनस अगेन सेम थिंग होगा माइनस एट आएगा वेन वी रिमूव द ब्रैकेट नाउ सेम साइन है सो so एडिशन होगा एट प्लस फाइव इज थर्टीन एंड माइनस साइन आ जाएगा राइट बोथ आर लाइक इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स सो दोनों का साइन आंसर में भी आएगा सो इट्स माइनस थर्टीन एक्स नाओ ये तो सिंपल एडिशन है टू प्लस सिक्स देर इज नो नेगेटिव इंटीजर इंटीजरियर सो ये प्लस एट हो जाएगा सो वी आर डन विथ एडिंग द फर्स्ट टू एक्सप्रेशन नाव वी नीड टू सबट्रैक्ट दिस वन सो पहले हम ये जो एडिशन वाला है मैं ये साइड लिख लेती हूँ माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स प्लस एट यही था हमारा um, जो कहते हैं आंसर तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस सेवन ओके कॉलम वाइज अगेन आई अरेंज द लाइक टर्म्स ओके सो नाउ यहाँ पर वाइल डूइंग अब्सट्रैक्शन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज द साइन यहाँ पर पॉजिटिव फोर है मतलब आई हैव टू राइट यर माइनस माइनस मैं यहाँ पे दूंगी नीचे और यहाँ पर माइनस नाइन है जो भी नीचे आता है जो भी नीचे एक्सप्रेशन आता है ईच टर्म को मैं आइडेंटिफाई करूंगी इधर प्लस फोर है सो ये माइनस फोर होगा बिफोर आई स्टार्ट सब्सट्रैक्टिंग आई नीड टू राइट द अपोजिट साइन सो यहाँ पर नाइन नाइन एक्स है नाइन माइनस नाइन है सो so मेरे बिफोर आई स्टार्ट सब्सट्रैक्शन आई हैव टू टेक इट एज प्लस I have to change the sign. This is very important. Plus seven is here, so it will be minus. Now, when I do uh, when I uh, do the numerical coefficient, uh, I mean subtraction or uh, addition, depending on the sign, I have to take this into consideration. Minus four. Minus two minus four, same sign, so I add and put the negative sign. So, ये minus six x square.

वाइल्ड सब्सट्रैक्शन ऑफ एलजब्रिक एक्सप्रेशन सो वेरी केयरफुल वाइल डूइंग द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सब्सट्रैक्शन वॉट एवर साइन यू पुट हियर दैट इज द साइन देट यू आर गोइंग टू यूज वाइल सिंप्लीफाइंग द न्यूमरिकल कोफिशेंट तो माइनस थर्टीन प्लस नाइन कितना होगा सब्सट्रैक्शन होगा माइनस फोर आएगा बिकॉज एक तो सब्सट्रैक्शन हुआ और थर्टीन का वैल्यू बड़ा है सो उसका साइन फाइनल आंसर में आ गया सो इट्स माइनस फोर एक्स नाउ एंड देन एट माइनस सेवन होगा एट माइनस सेवन ये प्लस अब कंसिडर नहीं कर किया जाएगा सो एट माइनस सेवन इज वन सो प्लस वन सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेवन इज माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन ना क्वेश्चन नंबर एट इज वेरी सिंपल ए बी सी तीन एक्सप्रेशन दे दिए गए हैं इट्स आस्किंग अस टू एड ए प्लस बी प्लस सी एंड देन कन्फर्म दैट इफ इट जीरो सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है इफ एट ऑल यू वांट मी टू अटेंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो आई मूव टू क्वेश्चन नंबर नाइन इट्स आल्सो वेरी इजी व्हाट मस्ट बी एडेड टू फाइव एक्स क्यूब माइनस टू एक्सक्वायर प्लस सिक्स प्लस सेवन सिक्स एक्स प्लस सेवन टू मेक द सम एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्सक्वायर माइनस एक्स प्लस वन सो ये बहुत सिंपल है इफ आई आस्क यू वॉट शुड बी एडेड टू फोर टू मेक इट थर्टीन तो आप फट से क्या करोगे थर्टीन माइनस फोर करके मुझे बता दोगे नाइन सेम थिंग हमें यहाँ पर करना है ये जो है सम है फर्स्ट विल राइट दिस एंड देन सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम दिस वन दिस एक्सप्रेशन तो हमें मिल जाएगा वॉट मस्ट बी एडेड वो वो एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा सो एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वा माइनस एक्स प्लस वन देन आई सब्ट्रैक्ट फाइव एक्स क्यूब माइनस टू एक्सक्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सेवन नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आफ्टर वी राइट ऑल द लाइक टर्म्स कॉलम वाइज सब्सट्रैक्शन के केस में वी नीड टू चेंज द साइन सो यहाँ पर प्लस फाइव है इफ देर इज नो साइन वी नो इट्स प्लस सो यहाँ पर मुझे माइनस अभी कंसिडर करना पड़ेगा यहाँ पर माइनस है तो प्लस कंसिडर करेंगे यहाँ पर प्लस है तो माइनस और यहाँ पर प्लस है तो माइनस नाउ वी विल सिंप्लीफाई द न्यूमेरिकल कोफिशंस यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है मतलब वन है सो आई टेक द वन एंड देन राइट माइनस फाइव वन माइनस फाइव कितना होगा आई जस्ट नीड टू डू इंटीजर अब्सट्रैक्शन क्योंकि डिफरेंट साइन से। सॉरी फाइव वन माइनस फाइव इज फोर एंड देन पुट द नेगेटिव साइन बिकॉज फाइव हैज़ ग्रेटर वैल्यू सो माइनस फोर एक्सक्वायर एक्स क्यूब यहाँ पर थ्री प्लस टू अब मैं ये साइन नहीं कंसिडर करूंगी ये प्लस साइन कंसिडर करूंगी सो थ्री प्लस टू लिखना भी जरूरत लिखने की जरूरत नहीं है फिर भी थ्री प्लस टू इज फाइव सो यहाँ पर आएगा प्लस फाइव एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस एक्स है और माइनस सिक्स है ये प्लस अब कंसिडर नहीं होगा ये माइनस कंसिडर होगा सो माइनस एक्स मीन्स कोफिशेंट इज माइनस वन यहाँ पर कोफिशियंट माइनस सिक्स है एडिशन होगा बिकॉज इंटीजर विद सेम साइन सेवन होगा और नेगेटिव साइन आ जाएगा माइनस सेवन एक्स और यहाँ पर वन माइनस सेवन करना है डिफरेंट साइन है सो सब्सट्रैक्शन एंड वी पुट द साइन ऑफ द ग्रेटर वैल्यू माइनस सिक्स माइनस सिक्स सो फाइनल आंसर क्या निकला मेरा क्वेश्चन नंबर नाइन का लेट्स रीड इट आउट माइनस फोर एक्स क्यू प्लस फाइव एक्सक्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्स दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर नाइन नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन इज आस्किंगी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस माइनस डी सो लेट्स लुक एट द एक्सप्रेशन ये पी का एक्सप्रेशन है क्यू ये आर है एस है और माइनस साइन के बाद मैंने टी का एक्सप्रेशन लिख दिया है सो ऑल द एक्सप्रेशन है ब्रैकेट्स एंड देन ग्रुप द लाइट टर्म्स जैसे हम करते आए हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर माइनस सिक्स ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस फोर ए बी नाउ कम से इम्पोर्टेंट पार्ट ये माइनस साइन और इधर एक माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा प्लस टू ए स्क्वायर यहाँ पर माइनस है अंदर बी स्क्वायर के पहले प्लस है सो व्हेन आई रिमूव द ब्रैकेट इट विल बिकम माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर माइनस है और ए बी के पहले अंदर भी माइनस है सो इट विल बिकम प्लस ए बी एंड देन माइनस एंड प्लस ए इनसाइड सो माइनस ए सो नाओ वी विल ग्रूप द लाइक टर्म्स टूगेदर ए स्क्वायर एक ए स्क्वायर फर्स्ट आया है सो आई चेक फाइनल प्लस ए स्क्वायर देन एनी मोर यस यन मोर प्लस ए स्क्वायर और है इधर है प्लस टू ए स्क्वायर ए स्क्वायर का खत्म हो गया नाव वी विल मूव टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर है प्लस बी स्क्वायर ये दोनों वन माइनस वन जैसे ज़ीरो होते हैं बी स्क्र माइनस बी स्क्वायर जीरो हो जाएगा यहाँ पर एक फोर बी स्क्वायर है मैं इसे लिख देती हूँ एंड आई सर्च फॉर अदर बी स्क्वायर येस इट्स दैट माइनस बी स्क्वायर अब ये लिख लेती हूँ सो फोर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाकी दो बी स्क्वायर दे दे लाइक सब्ट्रैक्ट होके जीरो हो गया उनका वैल्यू सो so, ये प्लस टू ए बी पे आ जाते हैं प्लस टू ए बी यहाँ पर है दूसरा मुझे दिख रहा है माइनस सिक्स ए बी यहाँ पर माइनस फोर ए बी और है यस वन मोर प्लस ए बी प्लस ए बी नाउ आई हैव टू चेक इफ एनी अदर टर्म इज लेफ्ट लेफ्ट ए स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर हो गया ए बी का मैंने लिख दिया एंड देन यस यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म है प्लस सिक्स एंड और किसी और में कोई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है सो प्लस सिक्स ना कुछ ऐड होगा उससे ना सब्ट्रैक्ट प्लस सिक्स एज इट इज लास्ट तक एंड तक चलेगा हमारा सो so, यहाँ पर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर हो गया ऐड करने से थ्री ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर होगा फाइव ए स्क्वायर वी आर जस्ट एडिंग द न्यूमेरिकल कोफिशंस वन टू थ्री फोर फाइव फाइव ए स्क्वायर ना प्लस फोर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ प्लस थ्री बी स्क्वायर सब कर दिया न्यूमेरिकल कोफिशेंट यहां पर टू ए बी है यहां पर ए बी है तो हो ये एड दोनों के सेम साइन है सो वी एड थ्री ए बी ओके है और माइनस सिक्स ए बी माइनस फोर ए बी कितना होगा थ्री ए बी पहले लिख लेती हूँ माइनस सिक्स ए बी माइनस फोर ए बी होगा माइनस टेन ए बी राइट और फिर हो आएगा प्लस सिक्स और ये माइनस ए मैंने लिखा नहीं था सो so मैं यहां पर लिख लेती हूं माइनस ए माइनस ए वॉज देयर इन द टर्म टी से टी से मिला था वहां माइनस ए जो मैंने ये वाले स्टेप में नहीं लिखा था सो राइट डाउन हियर एंड देन फाइनली राइट डाउन हियर, माइनस ए सो फाइव ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर थ्री माइनस टेन होगा माइनस सेवन ए बी और ये माइनस ए के साथ कुछ भी नहीं है सो एज इट इज और प्लस सिक्स के साथ भी कुछ और ऐड के सब्ट्रैक्ट होने के लिए नहीं है सो राइट एज इट इज तो हमारा फाइनल आंसर ये आएगा फाइव ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सेवन ए बी प्लस सिक्स ओके दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर टेन Now let's move to question number fifteen. Question number fifteen is asking is asking us to subtract the sum of five um, x minus four y plus six z and minus eight x plus y minus two z from the sum of twelve x minus y plus three z and minus three x plus y minus eight z. So, pehle hume, first step, we will find the sum of these two expressions and then do the subtraction. तो फर्स्ट लेट्स फाइंड द सम ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस यहाँ पर ट्वेल्व माइनस थ्री एक्स ट्वेल्थ माइनस थ्री करना है ऑब्वियसली न्यूमेरिकल कोफिशियंट नाइन आएगा 12 माइनस थ्री से नाइन एक्स हो गया यहाँ पर है माइनस फाइव वाई के साथ और प्लस फाइव माइनस वन है सॉरी माइनस वन प्लस फाइव सो हियर वी नीड टू फाइंड डिफरेंस डिफरेंस होगा फाइव माइनस वन फोर और साइन मतलब पॉजिटिव साइन रहेगा बिकॉज फाइव हैज ज द ग्रेटर वैल्यू एंड इट हैज प्लस साइन विद इट सो ये हो गया प्लस फोर वाई फिर आया प्लस थ्री जेड माइनस एट जेड तो थ्री माइनस एट करना है मतलब सब्सट्रेक्शन होगा डिफरेंट साइन इंटीजर्स हैं, फाइव आया एंड देन एट के सामने माइनस है तो उसी का साइन आएगा फाइनली आंसर में सो so, ये हो गया माइनस फाइव जेड सो हो गया ये हमारा नाउल मूव टू दिस वन सो so, यहाँ पर भी वही करना है फाइव माइनस एट फाइव माइनस एट मतलब थ्री uh, आएगा थ्री और साइन रहेगा एट का आंसर में सो माइनस थ्री एक्स यहाँ पर माइनस फोर प्लस वन है माइनस फोर प्लस वन मीन सब्सट्रैक्शन होगा सब्सट्रैक्शन से थ्री आएगा और साइन रहेगा फोर का बिकॉज फोर हैज़ ग्रेटर वैल्यू सो माइनस थ्री वाई हो गया

वन कितना बड़ा है ये एक्सप्रेशन से दैट इज वॉट द क्वेश्चन इज आस्किंग अस सो वन बड़ा है तो वन पहले लिखा सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ दिस टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फोर ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा बिकॉज दिस होल इज बिंग सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम वन सो नाउ आई चेंज साइन एंड रिमूव द ब्रैकेट माइनस या इधर अंदर प्लस है सो इट बी माइनस प्लस माइनस टू एक्स आएगा यहाँ पर माइनस है अंदर यहां पर माइनस है सो so, प्लस हो जाएगा मैंने रिमूव द ब्रैकेट प्लस थ्री वाई हो जाएगा अगेन माइनस और माइनस सो प्लस फोर वी आर डन ट बट कॉन्स्टेंट टर्म्स है सो वी कैन एड अप द कॉन्स्टेंट टर्म्स सो माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई plus 5 this is the answer for question number 17 we complete exercise 8c if you have any doubts in any of the questions that i have not attempted please let me know in the comment section and if you are watching my videos and you are really liking them then please like share and subscribe to my youtube channel siddhi academics thank you